नगर परिषद की मासिक बैठक में नए नवनिर्वाचित प्रधान अशोक मेहरा की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें नगर परिषद ने कई प्रस्ताव डाले और विस्तार से चर्चा की गई। वहीं नगर परिषद द्वारा नगर पार्षदों द्वारा टाउन हॉल का मुद्दा गरमाया गया, जिनको प्रशासन द्वारा भूमि खटोला में जगह चयनित की गई, जिसमें पार्षद मनोज ठाकुर व उप प्रधान कमलेश कुमारी ने विरोध जताकर बताया कि हॉल का निर्माण शहर के मध्य करना चाहिए, जिससे पूरे शहरवासियों को फायदा मिलेगा। वहीं चौगान की सफाई न करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय द्वारा चौगान की सफाई करवाई जानी चाहिए, जिसका कारण उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय द्वारा चौगान की तहबजारी ली जाती है। वहीं वार्ड नंबर 2 में पार्किंग स्थल के पास एक निजी दुकानदार द्वारा सरिया रखा गया है, उसको हटाने का प्रस्ताव भी नगर परिषद में डाला गया। साथ ही डोली में बस स्टैंड ले जाने का प्रस्ताव भी एकजुट होकर सभी पार्षदों द्वारा डाला गया, जिसका प्रमुख कारण बस स्टैंड में दुर्घटनाओं को न्योता देने कहा गया। बस स्टैंड में लोगों को चलने फिरने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण नगर परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रशासन द्वारा डोली में स्थित बस अड्डे की भूमि पर बस स्टैंड बनवाने का प्रस्ताव डाला गया। इस मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन द्वारा प्रस्ताव डाला गया कि नगर परिषद में चिल्ड्रन पार्क में नगर परिषद का रेस्ट हाउस बनाया जाए। वहीं वार्ड नंबर 8 में गलियों में नालों की निशानदेही के लिए भी प्रस्ताव डाला गया, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर किसी वार्डवासी की जगह इमारती सरकारी भूमि पर आती है तो वे खुद उसे हटा ले। ये प्रस्ताव नगर परिषद में डाला गया। नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा 4 मजदूर रखने का निर्णय भी लिया गया, जिनका कार्य शहर में गलियों की मरम्मत करना तथा अन्य काम करना होंगे। इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक मेहरा, कार्यकारी अधिकारी किशोरीलाल ठाकुर, पार्षद रमन भटनागर, पार्षद दीपू कुमार, पार्षद मनोज ठाकुर, उप प्रधान कमलेश कुमारी, पार्षद ज्योति शर्मा उपस्थित रहे। सर, आपने जो प्रस्ताव आज नगर परिषद में डाले गए हैं उसके बारे में सर कुछ विस्तार से। एक प्रस्ताव नहीं है डाला कि हमारा चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पर कमेटी का जो रेस्ट हाउस बनाया जाए, और एक हमारा ये जो कूड़े उठाने के लिए गाड़ी एक हमें और चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इतना बड़ा शहर है, गाड़ी का डाला है, और एक बेटी के लिए गाड़ी खरीदी उसका प्रस्ताव डाला है। बाकी सफाई व्यवस्था चरमराई है, उसका हमने प्रस्ताव डाला कि सफाई व्यवस्था ठीक की जाए। बाकी और शहर में जो भी डेवलपमेंट के काम है, उस सभी पार्षदों ने अपने अपने हिसाब से डाले हैं। और मेन मुद्दा हमारा तो ये है कि एक गाड़ी खरीदनी है हमने सफाई व्यवस्था के लिए, और एक रेस्ट हाउस जो कमेटी का यहाँ पर बनाया जाए। शहर में जो आज शहर नगर परिषद में मीटिंग हुई है, सफाई व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। सफाई व्यवस्था जो वो भी चरमरा गई है, ये साहब ने बोला इसमें जल्दी सुधार किया जाएगा। अब चलो देख लेते हैं क्या बनता है। दूसरा जो बस स्टैंड सुजानपुर का है, फिलहाल बहुत कंजेस्टेड हो गया है। जितनी भी प्राइवेट बसें या टाइम से पहले बसें आ जाती है, उनको डोली में सिमट किया जाए और बस स्टैंड का निर्माण डोली में अतिशीघ्र किया जाए। सर, जो टाउन हॉल की समस्या जो चल रही है, टाउन हॉल की जगह चिन्हित विभाग द्वारा जो चिन्हित की गई, उसमें आपको खामियां नजर आ रही हैं, इसके बारे में सर बताइए हमें। टाउन हॉल की जगह जो है वो चिल्ड्रन पार्क में चिन्हित की गई है, लेकिन अब टाउन हॉल को खडौड़ा में सिमट किया जा रहा है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। खडौड़ा में टाउन हॉल बनना के कोई भी जरूरत नहीं है। अगर शहर में जगह नहीं है तो उसके लिए प्रशासन जगह उपलब्ध कराए। जैसे हमारा पटारखाना है, SDM ऑफिस है, वहाँ टाउन हॉल बन सकता है। बरसात के दिनों में खडौड़ा में जाने के लिए सभी लोगों को सुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सर, नगर परिषद में क्या क्या प्रस्ताव जो वहाँ पारित किए गए हैं?